हेलो फ्रेंड्स, इलाहाबादी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अंडा ब्रेड रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से। ये बारीक हम प्याज काट लिए हैं, हल्का सा बारीक टमाटर और हरी धनिया ले लिए हैं। ये अंडा और ब्रेड है। अब एक कटोरी लेते हैं, उसमें इस तरीके से अंडा हम एक साथ तोड़ लेते हैं। ये 5 मिनट में रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, आप चाहे जब ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, दरबड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक कटा प्याज, हरी धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक। अब इसको पहले अच्छी तरीके से हम मिला ले रहे हैं। इसका पेस्ट देखिए तैयार कर ले रहे हैं। ये इसका पेस्ट बन के तैयार है। अब इधर हम पैन रख दे रहे हैं गरम होने के लिए। इसमें हम बराबर से ऑयल लगा ले रहे हैं। इसमें अंडा का जो पेस्ट बनाया है उसको हम डालेंगे, तो इसको हम बराबर से फैला ले रहे हैं डाल के। अब इसमें हम ब्रेड रख दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से जितना ब्रेड आ सके आप रख सकती हैं, तो हम 3 ब्रेड रख दिए हैं इस तरीके से। अब इसको दबा के हम अच्छी तरीके से सेक ले रहे हैं। ये ब्रेड के ऊपर भी अंडा पेस्ट हम लगा दे रहे हैं बराबर से। और हम इसको अब पलट देंगे, तो ये हमारा दूसरी तरफ भी अच्छे से हो जाएगा। इसको दबा के इस तरीके से हम सेक ले रहे हैं। ये रेसिपी 5 मिनट में बन के रेडी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट आती है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं, आप चाहे जब ट्राई कर सकती हैं। ये देखिए, अंडा ब्रेड हमारा बन गया है इस तरीके से। इसी तरीके से अब हम और बना ले रहे हैं। देखिए, ये एक तरफ हो गया है, तो इसको अब हम दूसरी तरफ पलट दिए हैं। ये देखिए, अंडा ब्रेड हमारा बन के रेडी हो गया है बहुत ही सरल तरीके से। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।